डीपी वर्ल्ड आईएल टी20 के मैच नंबर 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहां टक्कर रहेगी अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम माय एमिरेट्स। ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम आज सजा हुआ है अबू धाबी में। आपको आके एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज मिल जाता है और साथ में आलीशान शराफू। अकील हुसैन के हाथ में वो नई गेंद, 107 विकेट इनके लिए 130 मुकाबलों में काफी अनुभव। एक कॉल है तो पहली गेंद इस मुकाबले की। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल लाइन पे, यही करना पड़ेगा क्योंकि नई गेंद ना निकलने का टर्न नहीं होगी। थोड़ा एंगल बनाने का प्रयास, यहां मिलेंगे 4 रन। कदमों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया था, हालांकि टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, थोड़ा मुझे ऐसा लगा बल्ला घूम गया था, पर जो नतीजा चाहते थे वो इनको मिल गया। ये हवा में है, यहां पे विकेट गिर सकता है और गिर गया। टिम डेविड ने बहुत ज्यादा एरिया भी कवर किया और अंत में बहुत ही आसानी से वो कैच भी पकड़ लिया। तो ये जो स्ट्रेटजी है काम आ गई यहां पर माय एमिरेट्स की। आम बॉल नहीं थी, और धीमे वो गेंद डाला था, इनसाइड आउट खेला लेकिन टाइम नहीं कर पाए। वो गेंद में घुमाव नजर आ रहा था, गेंद सीम पे लैंड की थी। ओह, यहां पे इंप्रोवाइज किया है, बहुत ही बेहतरीन शॉट। यहां पे गैप में 4 रन मिलते हुए, और यहां पे भारी किनारा, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। पेपर को वापस जाना पड़ेगा। बोल्ट के विरुद्ध थोड़ी अलग सोच थी, कदमों का इस्तेमाल करके आगे आ रहे थे, पर यहां पे फंस गए जाल में। होता है कि एक खराब गेंद देंगे आपको ट्रेंट बोल्ट। 83 विकेट पापले में जाने जाते हैं, नया बॉल से विकेट चटकाते हैं। बहुत अच्छी वो लाइन, वो लेंथ, और फिर से एक और विकेट के नाम, फिर से भारी किनारा। क्या ओवर है ट्रेंट बोल्ट का, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी विकेट इस ओवर में। मुझे लग रहा है कि जोर से मारने की कोशिश, संतुलन के बारे में अजय आप बात कर रहे थे, ये बाहर रखा है यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने, कंट्रोल में था ही नहीं वो शॉट। निकोलस पूरन ने इस मैच का दूसरा कैच भी पकड़ लिया। फील्डर मौजूद है और उसको ढूंढ लिया। तारीफ यहां निकोलस पूरन की कप्तानी की भी करनी होगी। तीसरा ओवर दिया है यहां ट्रेंट बोल्ट को, मुख्य गेंदबाज को ही लेके आई है विकेट, और एक मिली यहां पे, उठा के ऊपर से मारना चाह रहे थे, आसान सा कैच वहां डीजे ब्रावो ने। ये लीजिए, आज लगता है तीसरे किसी गेंदबाज की गेंदबाजी की बारी नहीं आने वाली। 5 खिलाड़ी वापस, आधी टीम वापस डगआउट। शिप लगाने की जब जरूरत होती है तो उसके बाद ऐसे कुछ शॉट खेल के आप आउट हो जाओ तो ड्रेसिंग रूम में यार स्वागत होना चाहिए फिर इनका। अच्छा शॉट खेला है, पॉइंट के बाईं ओर से गेंद निकली, समझिए पहुंच गई बाउंड्री तक। एंड्रू रसल ने चलिए गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक, यहां 37 पे 5 8 के बाद। भारी किनारा, मोटा भारी किनारा, और 6 रन मिले। ये तो ताकत है आंद्रे रसल के, पहला छक्का इस मैच का, वो भी आंद्रे रसल के बल्ले से, मसल द रसल। ये जो नतीजा ये रहता है, बल्ला घुमाया, जोर से घुमाया, एक फील्डर था डीप थर्ड में, पर मात्र दर्शक ही रह गया, थोड़ी सी जगह थी। कहते ना इस सतह पे मार्जिन ऑफ एरर गेंदबाज के लिए बहुत कम है, और जी हाँ खुशी बनती है। ओ, सीधा हाथ में थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास। इमाद वसीम को वापस जाना पड़ेगा, फारूकी को मिलती है उनकी यह पहली सफलता इस मुकाबले में, बहुत बढ़िया उनके लिए। अभी तक ये पिछला मैच भी किया था फारूकी के लिए, और यहाँ पे जल्द ही विकेट मिल। कब देखा है आपने कि ये 9वां ओवर चल रहा है और आप स्लिप के साथ फील्डिंग कर रहे हैं ड्वेन ब्रावो के हाथ में। शानदार कप्तानी, बेहतरीन गेंदबाजी फजल फारूकी की इस बार। और वापस जाना पड़ेगा, प्लेड ऑन रवि पारा, बड़ी विकेट। वाइट्स की हम बात कर रहे थे, पर ये जो विकेट है ये प्राइस विकेट है। वो थर्ड मैन की दिशा में खेलना चाह रहे थे और लेट खेलने का प्रयास था, मोटा अंदरूनी किनारा और सीधे गेंद लुढ़क कर लग गई विकेट पर। ओ, हवा में और सीधा हाथ में, एक और बल्लेबाज आया और चल बैठा, यानी कि विली को भी वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर मिशन भी नहीं था गेंद में, वो सीधी सीम डिलीवरी डाली थी यहाँ पर, वो टाइम किया नहीं, ऊंचा गया ये
शॉट और सीधा टिम डेविड के हाथ में। शॉट खेला, ड्राइव किया, यहां पर रन आएंगे क्या? ये अंतिम गेंद पर चौका है। हाँ, चौका है। 15 गेंदों के बाद ये पहली बाउंड्री आई है यहाँ। 11 समाप्त, 59 पर 8। पीछे खड़े होकर वो बैटिंग कर रहे हैं। इस बार शॉट लगाया है और एक और विकेट गिरना चाहिए और गिर गया। मिड ऑफ को क्लियर करने का प्रयास और फिर से मोहम्मद रोहित को एक और सफलता। इसका मतलब है एक और विकेट लेफ्ट आर्म बॉलर के नाम। इस बार सुनील नारायण कप्तान वापस। ये तीसरी विकेट, फिर से कल चयन, फिर से वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। थोड़ा ऊपरी भाग पे अब बल्ले के गेंद लगी थी, तभी वो टाइमिंग सही बैठा नहीं और बोल्ड ने कोई गलती नहीं की। दो स्लिप तैनात, इस बार ऊपर से गेंद गई है, बड़ा भाग्य ने साथ दिया। मिलेंगे 4 रन, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पर रन कैसे भी आए समय नाइट राइडर्स के लिए वो कहेंगे रन आने चाहिए। अच्छा शॉट है, ओवर पॉइंट, 6 रन। मौका दिया हाथ खोलने का और चूके नहीं रसल। थोड़ी इंटरेस्टिंग फील है। लॉन्ग ऑन डीप, इनके डीप स्क्वायर लेग जो ऑफ साइड पे, कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं था। उसके बाद शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक वो न्योता दे रहे थे आप। ऊपर गई है गेंद, देखना है दूरी पकड़ी है। जी हाँ, दूरी भी पकड़ी है, 6 रन। रसल द मसल, वाह, एक बार फिर कट खेला है रसल द मसल 6 रन के लिए। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ये वाला शॉट एंगल को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, ये आसान शॉट नहीं खेलने के लिए। कंधे के ऊपर बैक स्पीड जनरेट करना, क्रीज के बिल्कुल अंदर खड़े हुए, क्रीज की गहराई का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। निडर होके बल्लेबाजी करते हैं और जब आखिरी विकेट साथ हो तो फिर बड़ी हिट मारते हैं। आतिमान विकेट हासिल करते हुए टाइम नहीं कर पाया एंड्रयू रसल। वकार सलाम खेल, बड़ी विकेट यहां पे मिलती हुई। देखिए वकार सलाम खेल, 5वें गेंदबाज बजू इस्तेमाल किया निकलेस पूरन ने, और 5 के 5 लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स। आज लेफ्ट इज राइट, बिल्कुल लेफ्ट इज राइट, और ये